नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, 30 में 30 आसानी से हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप जब तक आपके एग्जाम्स आते हैं आप रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न छूटे ना। तो मैं हर वीडियो में आपके मिक्स टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अलग है। इसमें डाइस के 2 क्वेश्चंस को ऐड किया है मैंने, घड़ी के क्वेश्चंस को ऐड किया है मैंने, साथ में 2 अलग टाइप के प्रश्नों को ऐड किया और कुछ वैसे रीजनिंग के प्रश्न जो आते रहते हैं अक्सर एग्जामों में। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलना। अगर जो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हो, परीक्षा ऐप का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट बाई करते हो NTPC या ग्रुप डी का, ये वाला प्रोमो कोड लगा देना, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फूल का जो संबंध कली से है वह पादप का संबंध किससे है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, देखिए आप लोग मुझे हर वीडियो में कमेंट करके बताया कीजिए, सर मैंने आज इतने क्वेश्चन किए, हर मैंने आज इतने क्वेश्चन किए। जो भी 2,500-3,000 लोग देखते हो, जब मुझे लगेगा कि आपने मान लीजिए 1,000 लोगों ने देखा और उसमें से 700 लोगों ने मुझे कहा, समय कमेंट सब नहीं करते, पता नहीं क्या करते आते हो वीडियो देख के, कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, अगर जो मुझे 700 लोगों ने कहा कि सर मैं 10 में आप 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, मैं अगर जो डेली तो उसमें 8 से 9 कर ले रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन का लेवल अप करूँगा। ठीक है, अगर जो ऐसा रहेगा तो आप मुझे बताते रहो। ठीक है, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फूल का जो संबंध कली से है, तो फूल का कली से कैसे संबंध है, तो फूल कहाँ से विकसित होता है, कली से विकसित होता है। और पादप किससे विकसित होगा, तो पादप का आकार है, पादप किससे विकसित होगा, बीज से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, माह का जो संबंध दिन से है तो घंटे का संबंध किससे होगा, तो दिन से क्या बनता है, दिन को मिला के माह बनता है, घंटा किसको मिला के बनता है, मिनट को मिला के बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा इसका। ये वाला देखिए, बल्ब का जो संबंध बिजली से है, कार का संबंध किससे है, तो बिजली से बल्ब चलती है, कार किससे चलती है, ईंधन से चलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन से कार चलती है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मूंछ का जो संबंध आदमी से है, महिला का संबंध किससे। अब देखो मूंछ तो आदमी की कह सकते हो शान बढ़ाता है। ठीक, अब महिला की बात करें सुंदरता, ये भी हो सकता है, ओष्ठ स्तन, ये तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक, तो इसमें सुंदरता भी ऐड कर सकते हो, साड़ी, लेकिन यहाँ पे जो साड़ी आंसर होगा, साड़ी महिला की सुंदरता बढ़ाता है और मूंछ आदमी की सुंदरता बढ़ाता है, तो ये कह सकते हो। ठीक, अब मूंछ आदमी की सुंदरता बढ़ाता है, ये भी सही तरीके से नहीं, लेकिन क्वेश्चन है तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका साड़ी होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा तो होता नहीं है कि जो लोग मूंछ नहीं रखते वो सुंदर नहीं होते। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ABDGCDFIEFHK के बाद अगला आपको क्रम बताना है, लुप्त के जगह पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो क्या किया है, सीरीज एक क्रम बनता है इस वाले क्वेश्चन में, तो सीरीज हमें क्या बना है, ABDG। अब देखो अगर जो हम यहाँ पे लिखते हैं ABDG, उसके बाद दिखा है CDFI CDFI, अभी तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये वाला तो हमें फाइंड करना, अभी तो हम डायरेक्ट वैसे लिख रहे हैं सिंपल करने के। देखो इस टाइप के प्रश्नों को जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना जल्दी आप सॉल्व करने का आइडिया लोगे, इतना जल्दी आपको प्रश्न को देख के अंदाजा लग जाएगा इसमें किया क्या गया है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये देखो मैं अभी जो कर रहा हूँ ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। लेकिन अगर जो आपको अपने पकड़ लिया एक बार कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, आपको ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ई आ, यानी कि +2 आगे जा रहा है। ठीक है, +2 आगे जा रहा है, यानी कि ए के बाद बी सी +2 आगे गया, सी के बाद डी ई, यानी कि +2 आगे गया, इसमें देखो बी के बाद डी आ रहा है, यानी कि बी के बाद सी डी, यानी कि +2 आगे गया, यानी कि सब में +2 आगे जा रहा है, +2 आगे जा रहा है। अब इसी प्रकार से ई के बाद एफ जी, यानी कि यहाँ आएगा जी, इसके एफ के बाद ABCD FF IH, ठीक है, जी के बाद यच आएगा यहाँ, उसके बाद एच के बाद आपका क्या आ जाता है, ABCDEFGHIJ, यहाँ पे जे आएगा, फिर के बाद 2+ आगे जाओगे। देखो रैंकिंग आप याद कर लेना, रैंकिंग याद कर ले, रैंकिंग मतलब ए का अल्फ़ाबेट में पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है इजोटी, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात की बात है, मैंने बोला ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अब देखो यहाँ पे के बाद क्या आएगा, के बाद यम आएगा,
यल यम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी एच जे एम, जी एच जे एम देखो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप और भी तरीके से लगा सकते हो, देखोगे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। यहाँ पे देखो 6, 10, 36, 210 के बाद अगला क्रम क्या होगा, 6 के बाद 10 किया है, 6 के बाद 10 कैसे आया ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप देखोगे 6 में 4 जोड़ा, ऐसा नहीं करते, 6 दूनी 12 माइनस 2 करो, तो 6 दूनी 12 माइनस 2 यानी कि 10, यानी कि गुड़े 2 और गुड़े 2 किया आपने, माइनस 2 किया, उसके बाद 10 आया। अब ये देखो यहाँ पे 10 के बाद सीधा 36 आया, तो 36 कर सकते हो, गुड़े 4 माइनस 4, यहाँ पे गुड़े 4 माइनस 4 किया तो आपका 36 आया, ये भी एक रिलेशन बन रहा है। यानी कि अब यहाँ पे आगे करो, 36 में गुड़े 6 करो, 36 गुड़े 6 और माइनस 6 करके देखो, तो 36 गुड़ा 6 करोगे तो आपका 216 आएगा, उसमें से आप 6 घटा दोगे तो 210 आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्रम हो गया आगे, गुड़े 6 माइनस 6, आगे क्या कर दोगे, गुड़े 8 माइनस 8, ठीक है। अब 210 में गुणा 8 करो, 210 गुणा 8 करोगे आपका आएगा 1680, और उसमें से 8 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1672, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आपको फाइंड करना, अगर जो आपने देखते ही पकड़ लिया कि क्वेश्चन में किया क्या गया है तो आप आंसर बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन अगर जो आपको निकालना पड़ा कि क्या किया गया सोचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और रेलवे एग्जाम में देखो 30 आता है, तो इसमें आपका टाइम 40-45-50 मिनट इसी में लगा दोगे रीजनिंग में, तो आगे आप कहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप का, तो उतना आपका स्पीड जो होता है, टाइम होता है, टाइम प्रश्नों को समझने की, वो आपका कम होता चला जाएगा। आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, 121 के बाद 81 आया, 81 के बाद 49 आया, 25 9। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर जो थोड़ा सा भी स्क्वायर आपने पढ़ा तो आप देखो, 121 11 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 49 से 49 7 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। आगे आपको फाइंड करना है आगे क्या आएगा नंबर में। अब देखो इसमें अंतर देखो, 11 9 के बीच में 2 का अंतर, 9 से 7 2 का अंतर, 7 पे 5 2 का अंतर, 5 से 3 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यानी कि 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, किसी संकेत भाषा में ट्यूटोरियल को ये लिखते हैं, डांस को ये लिखते हैं, तो एजुकेशन को क्या लिखेंगे। अब देखो एजुकेशन में जितने अक्षर हैं उतने अक्षर आपके ट्यूटोरियल और डांस में आ जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे ई की जगह क्या लिखा है, ई की जगह इसमें देखो, ई की जगह जेड है, यानी कि स्टार्ट जेड से होगा। डी की जगह आपका यहाँ पे क्या है, डी की जगह वाई है, तो यहाँ पे देखोगे डी की जगह वाई लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपका यू की जगह क्या है, यू की जगह आप देखोगे तो ओ लिखा है, तो ओ लिख दोगे। उसके बाद देखोगे सी की जगह क्या लिखा है, तो आप सी की जगह यहाँ देखोगे, सॉरी यहाँ से देखोगे डांस से यम लिखा है, यानी कि जेड वाई ओ यम, जेड वाई ओ यम, यहाँ तक ये वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ए को देखो क्या लिखा, ए को यहाँ पे लिखा है सी, ए को लिखा हमने सी, जेड वाई ओ एम सी, यहाँ पे हमने डी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, यानी कि ये वाला भी कटेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में हमने रोड को यू आर डी जी लिखा, यू आर डी जी लिखा, और उसी प्रकार से बताइए हम स्वयं को क्या लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, रोड को, रोड को क्या लिखा, आर ओ ए डी, रोड को हमने लिखा क्या लिखा, यू आर डी जी। इसमें क्या क्या है, अब देखो आर के बाद रैंकिंग में आगे जाओगे तो यू कब आता है, पी क्यू आर यस, आर के बाद यस टी यू, यानी कि प्लस 3 आगे जाने पे हमारा यू आता है। ओ के बाद आगे कब आता है, आर, आर कब आता है, ओ के बाद प्लस 3 आगे जाओगे तो आपका आर आएगा। ए के बाद डी कब आता है, प्लस 3 आगे जाओगे तो डी आता है। डी के बाद जी, प्लस 3 आगे जाओगे आपका जी आता है, ठीक। तो इसी प्रकार से स्वयं में भी आप कर दो, यस से आगे प्लस 3 आगे जाओगे क्रम में तो वी आएगा, वी आएगा। डब्लू से प्लस 3 आगे जाओगे क्रैंक में तो जेड आता है। उसके बाद ए से प्लस 3 आगे जाओगे तो डी आता है। एन से आगे जाओगे क्यू आता है, यानी कि वी जेड डी क्यू आपका आंसर आएगा। ऑप्शन देखोगे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आपको समझाने में, और जो आप ये चीज़ें जल्दी से समझ जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैंने बोला कि कमेंट करके बताते रहो कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। असंगत आपको ज्ञात करना, क्या विषम,
अगर जो थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, 525, 543, 235, 532, ये तीनों देखो, 525, 502, 235, 500, ये सारे तीनों विषम हैं और ये क्या सम है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में सब प्रकार से सेम क्वेश्चन देखो, ये भी आपका वही है, इसमें भी देखो ये सम है और ये तीनों क्या है, विषम संख्या है, ऐसा तो लग नहीं देखने से, स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे सम विषम से ही पता चल जाता है, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैंने अपने तरफ से ऐड किया है लिख के, ठीक है। निम्न आकृति का अध्ययन करें और तीन के सामने वाली संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसमें तीन के सामने वाली यानी कि तीन के अपोजिट आपको संख्या बतानी है, ठीक है। अब इसमें आपको एक दो तीन चार बॉक्स और बना लेता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पांच बक्सा बनाया है और इसमें हमसे तीन के सामने वाली संख्या पूछा है, यार डाइस जो बच्चा पढ़ा होगा वो इसको कर लेगा, लेकिन डाइस तो हमने, अगर जो आपने नहीं पढ़ा, देखो डाइस अगर जो आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम डाइस को आगे पढ़ेंगे, लेकिन डाइस हम अगर जो डेली वीडियो देख रहे हो आप, तो हमने इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं पाँच छः, उसमें मैंने डाइस के एक दो क्वेश्चन कराए हैं, अब डाइस के क्वेश्चन भी हम हर सेट में ऐड करेंगे, तो आपका डाइस का प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें पूछा क्या है, तीन के सामने वाली संख्या यानी कि तीन के अपोजिट क्या है। अब देखो तीन यहाँ पे कहाँ पे है, तीन किस डाइस में है, तीन इस डाइस में, तो इस डाइस का हम इस्तेमाल करेंगे। तीन है, एक है, दो है। अब देखो तीन एक दो, अब एक दो देख रहे हो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस डाइस में भी एक दो है, इस डाइस में एक दो है, यानी कि एक यहाँ है और दो यहाँ है, दोनों में ये कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है, तीन कॉमन नहीं है, पाँच कॉमन नहीं है, तो तीन का अपोजिट हो जाएगा पाँच और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होता है जिसमें एक कॉमन होता है वहाँ से, अब ये बताओ यहाँ से चार पांच बॉक्स दे देता तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पासा जरूर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है हमको, दो प्रोसेस से जब हमको आंसर मिल गया तो तीन का अपोजिट यहाँ पे पाँच हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस प्रकार का, तीन के सम्मुख अंक बताना, यहाँ पे चार पासे दे दिए हैं तो आपको क्या मतलब है, चार पासे पाँच पासे, तीन के अपोजिट बताना, तो तीन कहाँ है, सबसे पहले ये देखो तीन आपको यहाँ है, तीन है छः पाँच, क्या छः पाँच और कहीं है, हाँ छः पाँच यहाँ है, यहाँ पे जो कॉमन है चार है और यहाँ पे तीन है, तो तीन का अपोजिट हो जाएगा चार, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और आगे डाइस के क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें एक कॉमन होता है उसको भी हम देखेंगे। अभी देखो घड़ी में, एक घड़ी में देखो, घड़ी और दर्पण, मिरर इमेज, वाटर इमेज मैंने बोला था, तो ये बोला जाए तो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, घड़ी का नहीं है, कह सकते हो घड़ी का, लेकिन मिरर इमेज का क्वेश्चन है। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोग घड़ी बनाओगे, घड़ी बना के उल्टा करोगे, तो इतना टाइम रहेगा आपके एग्जाम में, आप इतना टाइम लगाओगे तो परीक्षा कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर हम 70-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ओम 20 गलत होगा, तो क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, फिर कहोगे परीक्षा में निकलता नहीं है, हम पढ़ाई तो करते हैं, तो ये गलत हो। आपको दर्पण नहीं बनाना, आपको देखते इसका आंसर लिखना। देखो अगर जो आपसे पूछे घड़ी में 1:30 हो रहे हैं, दो प्रकार से प्रश्न आता है, एक तो मिरर इमेज, एक वाटर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज आपका मिरर कहीं भी रख सकते हो, मिरर दीवार पे भी लगा हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, सामने ही मिरर अक्सर होता है, मिरर अक्सर सामने होता है, ठीक है। और वाटर इमेज आता है तो वाटर हमेशा दीवार में थोड़ी वाटर होगा, वाटर हमेशा नीचे होगा, ग्राउंड पे होता है, तो ये अंतर होता है। लेकिन हम वाटर का क्वेश्चन अगले वीडियो में ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन अभी अगर जो ये क्वेश्चन है घड़ी में इतना बज रहा है तो आपका दर्पण में कितना बजेगा, तो ये वाला आप रख लीजिए, 12 में से घटा देते हैं। 12 में से कैसे घटाओगे कि 12 में से हम 4:30 को कैसे घटाएंगे, तो 12 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, 11:60, ये भी तो 12 हैं, ठीक है, 12 ना, घड़ी कभी भी बताना बनाना, ठीक है, पेपर में घड़ी बनाने बैठोगे तो हो चुका पेपर। ये 12 में से हम घटा देंगे कितना, 4:30 को घटा दो, 4:30 को घटा दो तो 7:30 आंसर आ गया, ठीक, आंसर हो गया ना, ऑप्शन देखो तीसरा सही है। कहीं पे कोई डाउट हो पूछ सकते हो, मैंने बोला बार बार, यहाँ पे हमें लुप्त संख्या निकालना, क्या निकालना है, लुप्त संख्या निकालना। देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला है 6, 4 के बाद 52 लिखा है, 3, 5 के बाद 34 लिखा है। देखो इसमें रिलेशन कैसे बढ़ रहा है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 का ऐड करोगे 52 हो जाएगा, 3 और 5 यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का 25 और 25 9 34। इसी प्रकार के 8 का स्क्वायर करो, 8 है 64
और यहाँ पे 68 लिखा है, तो यानी कि 64 में 4 जोड़ोगे तो 68 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। हो गया ना, कहीं से कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि किसी भाषा में रबड़ को बक्सा, बक्से को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को बैग कहा जाए, इस प्रकार से प्रश्न मिले, तो सबसे पहले इसमें ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, सबसे पहले किस चीज़ को पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा, तो बच्चा कोई भी बच्चा होगा पेंसिल या पेन द्वारा लिखेगा। इसमें क्या बोला है, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को बैग कहा गया है, ठीक है, इसमें बोला है पेंसिल को शार्पनर कहा गया है, पेंसिल को क्या कहा गया है, शार्पनर कहा गया है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, शार्पनर आपका आंसर हो जाएगा, कहीं से कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं देना, शार्पनर ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि आप एक पंक्ति में, एक पंक्ति है, पंक्ति में एक छोर से, यहाँ से मान लीजिए आप नौवें व्यक्ति हैं, आप नौवें व्यक्ति हैं, तो आप पंक्ति है तो आप शुरू से नौवें नंबर पे हैं, तो लास्ट से भी किसी न किसी नंबर पे होंगे, और लास्ट से किस नंबर पे हैं, 11वें नंबर पे हैं। तो अगर जो आप देखो इस प्रकार के प्रश्न रहें, तो आप ये मत बनाना, बहुत सारे बच्चे बैठाएंगे 1 2 3 4 9 पीछे से बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 इसको गिनेंगे, तो ये गिनना नहीं है, गिनोगे तो टाइम, अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग से 9वें, लास्ट से 11, यानी कि उस व्यक्ति का जो पोजीशन है, यहाँ से 9 यहाँ से 11 दो बार जोड़ा गया है, दो बार जोड़ा गया है, कुछ नहीं करो, 9 और 11 जोड़ो कितना आ गया, 11 9 20, और एक बार घटा दो, माइनस एक करोगे, 19 आंसर आ जाएगा, कितने व्यक्ति हैं, 19। अब दो बार क्यों ऐड किया गया, यानी कि यहाँ से 11वां पोजीशन, यहाँ से 9वां पोजीशन, इन दोनों को दो बार हमने जोड़ा, तो इसलिए हम एक घटा देंगे, 19, यानी कि टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सॉरी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं, प्रश्नाकृति उत्तराकृति रिलेशन करना, या वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये वाला, देखो इसका जो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे दो खाली खाली बॉक्स हैं, यहाँ पे फिल करके सिंगल बॉक्स कर दिया है, यहाँ पे एक खाली बॉक्स है, तो यहाँ पे फिल वाले दो बॉक्स होंगे, आपका देखो आंसर ये वाला बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझने का हेर फेर होता है इस वाले प्रश्नों को। प्रश्नाकृति उत्तराकृति, इसमें देखो क्या किया है, इसको घुमा के आपका 90 डिग्री रोटेट कर, 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, तो आप इसमें भी देखो, आप अगर जो इस प्रकार के फिगर को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो सेम फिगर आएगा निकल के, तो सेम आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, अगर जो ये ऊपर होता तो यहाँ पे ये वाला नीचे आ जाता, लेकिन इसमें कोई फिगर नहीं है, सेम फिगर है, इसको आप 90 डिग्री घुमाओ या फिर 180 डिग्री घुमाओ, 360 घुमाओ, सेम आएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर जो आप इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, रेलवे ग्रुप डी 100%, मैंने बोला पीडीएफ बार बार बोलता हूँ, ले लो, जितने लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो 100% श्योर नोट ले सकते हो, गणित का बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित का जरूर ले लेना, कंप्लीट नोट्स मैंने कॉम्बो पैकेज बनाया जिसमें आपको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, साथ में आपका साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का सब कुछ पीडीएफ है, वो भी आप ले सकते हो, चाहो तो आप कॉम्बो ले लेते हो, तो ये वाला मत लेना, अगर जो कॉम्बो लेते हो कॉम्बो लो ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, कम कॉस्ट पर ही रखा। अभी देखो ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल है सुधीर MDL, सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना कुछ भी पूछने के लिए। चलो अभी इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।